अमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। के मुनव्वर मेरे किस्मत का सितारा हो ही जाएगा, मुनव्वर दिन सा गुम्बता, किसी दिन सा गुम्बता नजारा हो ही जाएगा। किसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब शहबाज रजा नूरी फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह। कि किसी दिन सा गुंबता नजारा हो ही जाएगा, मुनव्वर किसी दिन सा गुंबता नजारा हो जाएगा। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये माना ये माना ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सारे इस्लाम जनाब शहबाज नूरी, सारे इस्लाम जनाब शहबाज नूरी। बहुत ये माना उजाला हो ही जाएगा। अरे चेट ताजू शरिया से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, अच्छा सब लोग मोहब्बत करते हैं और खलीफा ताजू शरिया भी जलवागर है, है कि नहीं? अब तो ये शेर पढ़ना मेरा वाजिब हो गया है, पढ़ूं ये शेर? सुनेंगे सब लोग? सुने सुने। खुदा ने यूं बनाया है,
खुदा ने यूं बनाया है मेरे ताजो शरिया का, खुदा ने यूं बनाया है मेरे ताजो शरिया का, मेरे ताजो शरिया का, मेरे ताजो शरिया का, खुदा ने यूं बनाया खुदा ने खुदा ने यो बनाया है मेरे ताजो शरिया को, उन्हें जो देख लेगा वो, उन्हें जो देख लेगा वो दीवाना हो ही जाए। के उन्हें जो देख लेगा वो दीवाना हो ही जाएगा, मुनव्वर मेरी किस्मत का सितारा हो ही जाएगा। और मेरे आका हजरत हलीमा की झोपड़ी में आते हैं तो क्या होता है मुलाजा फरमाए, एक बार कह दे या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कह दे या हबीब अल्लाह। हलीमा सादिया के घर, हलीमा सादिया के घर, हलीमा सादिया के घर रसूलुल्लाह आए हैं। हलीमा रसूलुल्लाह आए हैं, हलीमा सादिया हलीमा सादिया के घर रसूलुल्लाह आए हैं, हलीमा अंधेरी झोपड़ी में अब उजाला हो ही जाएगा, अंधेरी झोपड़ी में अब उजाला हो ही जाएगा, मेरी झोपड़ी में। बहुत सारे हुसैनी बैठे हैं, बहुत देर से फरमाइश आ रही है कि अल्लाह हू अकबर, अच्छा ठीक है। हजरत हुसैन की बारगाह में बहुत देर से फरमाइश आ रही है। अच्छा एक बार कहते हैं हुसैनी तेवर में या हुसैन, सुभान अल्लाह। अच्छा दिल कर रहा है ये सामने वाला जो इलाका है ना इसे उठा के कलकत्ता ले जाऊं, है कि नहीं, ये इलाका बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। आप हजरात भी बैठे हैं नबी के इश्क में बोला करें, देखें यही वक्त होता है कि हम अपनी मसरूफियत से निकलकर नबी और आले नबी की बारगाह में कुछ पेश करते रहते हैं और सवाब इकट्ठा करते रहते हैं।